ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ माशाल्लाह सामने का व्यू चेक करो तुसा ये मुल्तान दी ना सामने BZU यूनिवर्सिटी वे भाई मुल्तान दी बड़ी मशहूर तरीन वे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ठीक है भाई? तबे ठीक है मैं हां मोहम्मद शहजाद सरदे पे यूट्यूब चैनल वेला मुंडा टाइम से ना पे पूरे दूदा और अस रात इथा होटल च इसे रूम च स्टे कीता ते सही सुते आसे हुन असा फ्रेश थाखणे तैयार थाखणे वीडियो एडिट कर गी धीमी एडिटिंग दे बाद नहा धो के हले नाश्ता करने से कीता नाश्ता करने पे और इस होटल तो चेक आउट करने पे। मैं अक्सर थोक पता ट्रैवल करेंदा रहना सफर करेंदा रहना और जगह जगह दे होटल दे विच मैं स्टे करेंदा रहना तो होटल दा तकरीबन रूल होंदे कि 12 बजे उन्हें चेक आउट देवना होंदे मतलब अस उन्हें रूम खाली करके देवना होंदे तो अस जितने भी होटलों के रहे हैं ना कस्टमर को वलावल और डिस्टर्ब नहीं करेंदे कि लेकिन इस होटल दे विच ना हर 15 मिनट बाद उन्हों का लड़का आ वैंदा कि भाई आपने हमारे रूम का चेकआउट किया या नहीं किया, हमारे रूम का चेकआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मतलब होटल ने सब जिच कर लीते वाले अल्लाह अल्लाह करके अस रूम में चेकआउट करेंदे पे हैं। वैसे सारे ही होटल च बैड एक्सपीरियंस गुजरे उनकी वजह यही होटल वाले ने धाड़ धाड़ शुरू कर दी तो अस निकलते पे रूम तो अल्लाह हाफिज इस रूम में जिंदगी रही तो वल वापस आसो नहीं ये होटल वाले नहीं मेरे काफी सारे व्यूवर इकट्ठे थे खड़े हैं और माशाल्लाह सारे व्यूवर को टाइम देने पे हैं तो मैं पूछा इन्हें कहने में थोड़ा मैनेजर कितना है पे होटल वाले का तो ना कि मैनेजर साहब सुते हुए हैं तो मेरा मैनेजर साहब तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो मैनेजर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है भाई क्लेम है पे उन्होंने कि अगर थोड़े कने को कस्टमर आवे तो उसको वला वला डिस्टर्ब ना करो तो अगर थोड़े रूम अगर तो 12 बजे चेकआउट करावने अगर एक कस्टमर थोक 12 बजे चेकआउट नहीं देना पिया तो तुम उन्हें टैक्सेस बधा दो मतलब उन्हें जेड़े और चार्जेस देने पे तो बधा दो वला वला डिस्टर्ब करना 15 मिनट बाद लड़का भेजना के भाई सारा रूम खाली कर लो ये गलत गाल है तो मैं बहुत बुरा लगे ना गवार गुजरिए और इंशाल्लाह उम्मीद है मैं कि तुम इस चीज़ को इंप्रूव करे सो ताकि थोड़ा होटल बहुत अच्छा चले इंशाल्लाह। अच्छा मुल्तान तो काफ़ी सारे मेरे व्यूवर इन पे जेडे BZU दे पढ़ते हैं तो ये सामने BZU खड़ी हुए थे मैं वैसे आज तक ना BZU बाहरों विजिट किया है अंदर मैं विजिट क्यों नहीं किया लेकिन आज टाइम शॉर्ट है पिया आज विजिट नहीं सक रहे अस्सलामुअलैकुम आज डबल चिकने लग रहे कैसे हो खैरियत से मिजाज से ठीक है अभी नाश्ता करते हैं चल के नाश्ता में ले आया तो ऊपर बैठ करते हैं मम्मी डैडी शहर के लोग तो पता जीन्स पहनन और जीन्स का ये भी फैशन है भाई जी फैशन है या आप मतलब पैसे कम थे हमें बता देते तो अच्छी वाली ले लेते फटी हुई ले लिया कोई बात नहीं अगली दफा ले लें वैसे ये फटी हुई ना वैसे जीन्स का फैशन ही है व्यूअर ही देखो एक गो जाती इतनी पाड़ी बदी है इतनी पाड़ी बदी है साढ़े ना उतना मोटरसाइकिल को ढह पवे ना भला इंजी हालत होती है जेनी तो सपाती होते ये फैशन है हाँ जी फैशन ये मम्मी डैडी लोगों का फैशन है हजूर आप डाइटिंग पे हो व्यूअर आ चुके हैं नाश्ता करके अपनी शहजादी दे विच अपनी शहजादी का शीशा साफ करके तो हूँ मुल्तान दे जिहड़े कम्मां को कल आए से ना जिहड़े सारे काम नंद थे तो वह काम हूँ करे ने अज जितनी देर मुल्तान है वध्या थे उमर भाई सारे नाल नाल होसन पे काफ़ी चीज़ा गिनने से काफ़ी सारे काम करने से तो उमर भाई आखिर कि अज मैं साढ़े वेला हाँ पे और तुसा दे नाल आज मैं घुमसा फिर ऐसा और भाई मजे की गाल तो सामा तो पता है मेरा वला रू थे सिवे गिनन का अगे तो गिन को नम संख्या तो पता है पैसे जड़ा ना मैं वो अपनी एक दुकान चगी थी प्रॉपर्टी चगी थी पैसे उसे इन्वेस्ट कर छोड़िया तो वाल पैसे थोड़े बड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो अज उमर भाई को मैं आखिर मैं मैं होंडा सिवे गुलवा दो अच्छी जी हो ना VIP सोहनी सिविक हो तो उमर भाई आखिर कि मेरे दोस्त को एक सिवे खड़ी थी और फार से ले तो जोल के होंडा सिविक भी देते हैं अगर वो पसंद आ गई अगर वो साढ़े नसीब हुई तो वो भी परचेज करे अगर सारा सौदा भी बन गया पहली गाल पसंद आवेने दूजे नंबर से पसंद आवेने तो वाल सारा सौदा बन मैंने दुआ कराए फिलहाल असं जुलते पे हैं जू दे जू दे कण वह पे हैं उतना उमर भाई की फरमाइश है भाई।
ਵਿਵਰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੀ ਐਚ ਏ ਦੇ ਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਂਦਰ ਬਾਂਦਰ ਰਿਚ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਲਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਨੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਰ ਹੋਏ ਵਾਲ ਮਗ ਦਿਖਾਵੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਚ ਰਿਛਣੀ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ ਰਿਛਣੀ ਹਾਏ ਇਹ ਵੇਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਵੇ ਇਹ ਕੋ ਕਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡੀ ਐਚ ਏ ਜ਼ੂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਲੈ ਤਾ ਭਾਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਮੁਝਸੇ ਲੈਣਾ ਥਾ ਆਪਨੇ ਲੈ ਲੋ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਬ ਬਤਾਏ ਮੈਨੇ ਜੈਸਾ ਬਿੱਤਰ ਸਮਝੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਟਲੇਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਕੜੋ ਕੱਟੋ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਤੋਬਾ ਯਾਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਵੀਵਰ ਜਬ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾ ਟਾਈਮ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਜਾਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਉ ਯਾਰ ਦਾ ਰੂਹ ਥੇਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖੋ ਏ ਬਾਂਦਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜਦ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿਡੀ ਠੇ ਤੇ ਜੈਂਟਰ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੂੰਜ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਸਰਾਇਕੀ ਕਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸੌਂਗ ਹੈ ਇਹ ਕੂੰਜਾ ਇਸੇ ਕੂੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੂੰਜੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੂੰਜ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂੰਜ ਵਾਲਾ ਸੌਂਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਕਿਆ ਸੁਰਖਾਬ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਓ ਤੋਤਾ ਹੀ ਵੇ ਮਕਾਓ ਹੈਲੋ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਾਕਾ ਓਏ ਗਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਏ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਾਂ ਕੋ ਆ ਓਏ ਚੰਬਾਲਾ ਓਏ ਬੋਲੂਆ ਗਾਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਊਵਰਾਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ ਕੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਰਿੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਵੱਲ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਮਲਿਕ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੁਣ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਗਈ ਨਾ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਇਡੂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਉਮਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕਾਬੜਾ ਖੜਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾ ਖੜਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਵੇ ਥੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਬਦੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਵੇ ਥੀ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ ਆ ਸ਼ੇਰਣੀ ਆਈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਠੀ ਜਲੇ ਇੱਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜਲੇ ਇਹ ਉੱਡੇ ਵੈਂਦੀ ਹੁਣ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥਾ ਆਵੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਟਾਈਮ ਥੀਂਦਾ ਪਵੇ 4:53 ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸ਼ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਇਹ ਖੜੋ ਰਸ਼ ਡਿੱਠੇ ਵੇ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੰਗੋ 5 ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟ ਥੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਥੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾ ਪੜ ਸੰਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ 8 ਪੈਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੇ ਸੂ ਅਗਰ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਪੜ ਵਜੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀਰ ਅੱਗੋ ਸਿਵਿਕ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਵਹਿੰਦੀ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅੱਗੋ ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਆਲਟੋ ਵਧੀ ਥੀ ਚੁੱਕੇ 5:05 ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਫਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਖੜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਥਾਂ ਸੋਲਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਿਆ
दरअसल मेरी ना फसी वधी पेमेंट तकरीबन 1 लाख रुपया मेरी जिम आंदी है ना सैलरी आंदी है यूट्यूब दी तो वधी फसी समान किना से ना हार्डवेयर वाला पिछली वीडियो तो सारी ठे होती उते ग्रिल दे उते डेकोरेशन पीसेस लावणे से कल मार्केट गया से लेकिन वो भी लेट बनने वजह तो बंद थी गई कि 6 बजे बंद थी और 5:24 थे पैन। फाइनली व्यूअर गुड न्यूज है, मार्केट हाले खुली है पई। असा इतना डिजाइन जरा पसंद कर गिनू, देखो ये जिम्मे डिजाइन बने पैन ये सामने पैन थे इस टाइप का डिजाइन गिने से सब पसंद कर गिने वाल सब दिखाने डिजाइन बनावे कि नजर आसी पे पत्ते ए ए लग वैसे फुल इंदा कलर थी वैसे ग्रीन इंदा कलर थी वैसे लाल बेच सरिया लग वैसे सरिये दे उते खड़ वैसे ये बड़ा प्यारा ना लग सी प्यारा लग सी ए एक पीस जड़ा है ए 100 रुपए दा है एक ये कितने दा 350 रुपए किलो ए 350 रुपए किलो ए भैया मैं को लगता है 20-30 हज़ार रुपए दा बिल बन दा कम से कम। सामान सारा घिन के हाजी साहब इदु गट्टू दे विच पहले पेन बड़ी मुश्किल नाल हाजी साहब आए लभे ना इना हे तरसाया साको कल दे रुलन लगे इना दी पारो कल दा इना दी पारो ए वजह से मुल्तान लेकिन कल जड़ा ना ए मिले ना साको ते ए रिजवान दी पसंद है इने के जी ए भी घिनन जड़ा साडे सीढ़ी ते जड़े होए एंट्रेंस पॉइंट ना दरवाजा ए किदू लग वे से खबे पास लग वे से दू पसंद की ते कने ई कलर दे ते पैक थी चुके जड़ा दूजा सामान गिनदे प्यास से गट्टू दे पवें दे प्यास से उना बिल बन गए वे 10,490 रुपए 1000 रुपए दे ओडू गोल गोल की देसे 10,490 दा ए मतलब 11,500 रुपए दा सामान असा खरीद कर की देसे। चलो शुक्रिया आज दा आया सजाया दिया बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे मिलकर नाइस टू मीट यू। ये सामने सारा गट्टू तैयार थिया पे व्यूअर इंदा वजन ही 15 किलो 700 ग्राम दूजा ए आ गए हाय हाय क्या था सादा सामान मिल गया बस शुक्र है मौली साहब दुआ मंगदा खड़े दूची दीवार इन पीछे बजे बजे हाँ हे ये मेरे दूची दीवार रुलते बजे आसे असर रात भी बनी थी पर घर ही कौन इसे कह लगन घेन की तैसे असा इज्जत है पक्के देखनी असा होंडा सिविक यहाँ से लेकिन टाइम इतना शॉर्ट है रश इतना ज्यादा है मुल्तान दे विच ना अज कोई काम सीधा नहीं थींदा पिया यार हुन असा चेजअप वेंदे पए कोट वगैरह गिनन इतना रश है क्या थको हाल है उमर रुल गए आज मुल्तान दे विच चेजअप ते ओ सामने चेजअप खड़े वाले था मेरी वीडियो अपलोड थींदी पिए ये सामने देखो ये वीडियो अपलोड थी आवे उतनी देर है ना कश खाऊं बैठे क्योंकि मुंह जब तक चलता रहे तो मैं सोखा रहे ना एक लहाए केचप लहा के ना ऐसा हूँ मंगाया ऐसे हॉट विंग्स मेरे को बड़ा पसंद है न पिया इस वजह तो ना गर्मा गर्म आय हाय वी आई पी है न पिया जल्दी करा मेरे मुँह जो पानी आता पे वो मैं ए बोटी मैं खा सा आवर खाँ दे आओ ना तो अगे थोड़े मेरे को बंदे ढेर हैं मज़ा आ गया कसम व्यूअर इतना सा को पसंद कौन ही है तकरीबन 10-15 मिनट देते रह गए वेस्ट कोट लेकिन मेरे को पसंद नहीं है वाल बे शॉपिंग मॉल दे उते ले बैठे हैं मैप ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਬੁੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਬੁੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਿਆ ਬੁੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਥੋਂ ਨਨ ਪੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਉਹ ਅਜ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਰਜ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਚਿਲਡਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਪਏ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਪਏ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਦੇਦੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥੀਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੁੱਚ ਕਲੋਨੀ ਬੜੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਬੁੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਬੁੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਪੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਊਵਰ ਦੇਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਪੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਕੋ ਆਈਡੀਆ ਥੀ ਵੈਸੀ ਤਾਂ ਜੁਲ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਥੱਕ ਮਿਲਵੇ ਨੇ ਵਿਊਵਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਐਂਟਰੀ ਥਿਉਣ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁੱਲ ਵੈਸੀ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਇਹ ਦੇਖ बहुत हॉस्पिटल को अंदरों तो सा देखो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह सामने रूम खड़ा हुआ 26 ये 26 जड़ा ना ये मेरे मामू होने का रूम है पी ये दिखा दे
माशाल्लाह व्यूअर मैं जना था थोड़ा सेंदा प्यामी पहले तो ए मेरे प्यारे मामू जानन पे सगे मामू जानन पे एक ता होंदा ना भाई बंदा रे इवें साद सुद के मामू बड़ा गंदे उन नहीं मेरे सगे मामू जानन पे मेरी अम्मी उनकने छोटे ने पे मामू जानो नी माशाल्लाह डॉक्टर हन पे जी जी ए पहले तो ए तारुफ सी में करा चुके ने भी सदा प्यारा भांजा है माशाल्लाह जी हां चाइल्ड स्पेशलिस्ट आई था अंबुच हॉस्पिटल एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट में काम करे ना माशाल्लाह एमबीबीएस ते उतो बाद एफसीपीएस की तरह चाइल्ड स्पेशलाइजेशन है माशाल्लाह अंबुच हॉस्पिटल में 6 तो 9 बजे तक होना अंबुच हॉस्पिटल एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है जिथे के सेहत या मेयारी सहूलियत कोई भी अगर अपने बालों की जिस्मानी या ज़हनी सेहत के हवाले ना परेशान है और मोहब्बत भी देसन इंशाल्लाह फैमिली रेस्टोरेंट थे पर खाना आ चुका है वाइट कढ़ाई चिकन कढ़ाई भाई हम आपके व्यूअर हैं बहुत शुक्रिया व्यूअर अस उ बह के खाना खाते से वाल ई टेबल वाले तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बंदे मेरे व्यूअर बैठे थे बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगे तुसा ना मिल के केड़े मामलात नाल होंदे वे स्टूडेंट वे केड़े बीजेड यू मुख्तलिफ अच्छा मुख्तलिफ अच्छा बीजेड यू वाले वे चलो ठीक हो गए मेहरबानी बहुत शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम क्या हाल है जी ठीक हो खैरियत क्या त्रुट गए ओ व्हील का पेड़ रास्ते च उड़ गए यो टायर ही व्यूअर ही दा ए टायर पंचर थी आज के पहले नंबर ते शूज लहे मी अले वेस्टकोट लहे ना वेस्टकोट था टांग देने ते मैं होण वाला समदा कोने पिया मतलब तुसा आको इतना सफर करके आए ते वाला चुप करके समदा कोने पिया वीडियो एडिट करनी है वीडियो एडिट करे ने और अपना मोबाइल को चार्ज करने सारे मोबाइल का बैटरी लो एंड पौंदी वजह ए कि ऐसा चार्जर तो सारे घर भूल गया से सारा अचानक उठ रहण दा प्रोग्राम बना ते सजा तू चार्ज सारे मोबाइल नी घटे पे इस टाइम मेरे आईफोन दी बैटरी बहुत लो है पे डिवाइस साहब दी बैटरी लो है ना सारी बैटरी सही थोड़ी ना मतलब सारे मोबाइल दी मोबाइल बंद नहीं थोड़ा मोबाइल बंद है हां मोबाइल बंद है ऐसा सारे मोबाइल चार्ज करे ने हुन अपनी वीडियो तक करने थी एंड मेरी गाड़ी दे चढ़ा वदा जसूसा करंदा पे मत्ता विच कछे खावण दी वदी होवे तल असा अल्हम्दुलिल्लाह कछे खावण दी कोनी से घेन के अबू का मोबाइल पे थाऊ गेन सो मेरे जेब में पैसे कोई ना ते इथे ही करना साइड दूड़ा एंड टाइम पता क्या थी ना पे टाइम दिखाया सर मोबाइल ही कोई नहीं सर देखो तकरीबन मेरे ख्याल दे 11:30 सन मजीद उड़े गेंदे ए टाइम ये पिया हां ठीक है 11:22 और देखो मेरा मोबाइल की बैटरी सिर्फ 13% बची हुई दी देखो ए खड़ ये देखो सिर्फ 13% बची हुई है ठीक है ना साइड दूड़ा एंड तो मैं थक सर आज दूड़ा अच्छी लगी सके सारे दूड़ा अच्छी लगी सारे जन जरूर सब्सक्राइब कर सो तो अगला मैसेज चला नवे नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इधर धुंध चेक करो कैमरा में देखो धुंध कितनी है भाई ये देखो ये धुंध देखो ये सारे को ना धुंध को ही स्टार्ट थी गई मेरे को लगता है थारे को ही स्टार्ट थी गई हूँ रस्ते बेच लिया है ना रस्ते धुंध ने काफ़ी डिस्टर्ब किया तंग किया तो इन चला मैसू नवे नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।